जी विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं बुराराम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एंड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। फिजिक्स की कंटेंट की श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे मैकेनिक्स के अंतर्गत कॉरलिस फोर्स और कॉरलिस फोर्स के कुछ प्रभाव हैं, द इफेक्ट ऑफ कॉरलिस फोर्स। देखिए, आप इसमें अपन पढ़ेंगे द इरेजेंस ऑफ रिवर बैंक्स, द नदी के सिरों का कटाव, दूसरा ऊर्ध्वाधर स्वतंत्र पूर्वक नीचे गिरती वस्तुओं का अपनी उधर स्थिति से विस्थापन, फिर अपन पढ़ेंगे व्यापारिक हवाओं का भूमध्य रेखा की ओर मुड़ना, चक्रवाती हवाएं, साइक्लॉन्स आदि इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला अपना जो इसका इफेक्ट है वो है इफेक्ट ऑन कॉरलिस फोर्स ऑन बॉडीज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन द अर्थ, यानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरते हुए पिंड पर कॉर्नेस बल के कारण कितना विस्थापन होता है वो अपन अध्ययन करेंगे। तो देखिए, आप मान लीजिए आपके पास एक कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान एम है, ये पिंड है जिसका द्रव्यमान एम है, ये वीडेस रेख से पृथ्वी की सतह पर ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। मान लीजिए इसकी स्थिति पृथ्वी पर जो इसका लेटिट्यूड है वो है लैम्ब्डा। तो अब ये ऊर्ध्वाधर नीचे की गिर रहा है, इसको अपन जेड दिशा माने ऊर्ध्वाधर की। तो अब देखिए, आप प्रारंभ में उसका वेग 0 था और टी समय पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, वी डैश बराबर जी टी, इस वेग से वो गति करता है। आपने ये कहा कि आई डैश जेड डैश आई डैश कैप जे डैश कैप और के डैश कैप घूर्णी निर्देश तंत्र में एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो अब अपन यहाँ क्या लिखेंगे, वी डैश बराबर क्या लिखेंगे, माइनस वी डैश अपॉन के कैप डैश। वी डैश क्या है, इसकी वेलोसिटी है जो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गिरता है और ये गुरुत्व बल के विरुद्ध गिरता है नीचे की ओर, इसलिए इसकी डायरेक्शन को अपने माइनस में ले लिया, ठीक है, माइनस जेड दिशा में। अब अपन जानते हैं कि वी डैश वी बराबर यू प्लस जी टी होता है, तो वी डैश बराबर क्या होगा, यू प्लस जी टी, यू अपना 0 माने तो वी डैश बराबर जी टी, तो वी डैश वेक्टर में क्या होगा, माइनस जी टी के कैप डैश, माइनस जी टी के कैप डैश होगा। अब अपन जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन कर रही है, ये अपना क्षैतिज तल है, ऊर्ध्वाधर अपना क्या हो गया, ये अपना वाई और जेड तल है वो प्लेन है। तो इसमें अपन ओमेगा के दो भाग होंगे, एक वाई एक्स के अनुदिश और एक जेड एक्स के अनुदिश। तो ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा कॉस लैम्ब्डा जे कैप डैश प्लस ओमेगा साइन लैम्ब्डा के डैश कैप, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक ही होगा, ओमेगा की वैल्यू होगी। अब अपन कहेंगे कि जो कॉर्लिस फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश, या -2m इसका वेक्टर प्रोडक्ट है। तो ये देखो ओमेगा कॉस लैम्ब्डा ओमेगा साइन लैम्ब्डा और ये माइनस जी टी का, इसको अपन सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये आई कैप बराबर क्या होगा, ओमेगा कॉस लैम्ब्डा माइनस जी टी। देखिए आप, माइनस पहले से माइनस है और अंदर माइनस ओमेगा टी जी टी ओमेगा कॉस लैम्ब्डा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2m ओमेगा जी टी कॉस लैम्ब्डा इंटू आई कैप डैश। आई कैप डैश का मतलब ये अपना पूर्व दिशा में है, उत्तरी गोलार्ध में ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ये पूर्व दिशा में। नीचे की ओर गिरते हुए पिंड का विस्थापन क्या होगा, पूर्व दिशा में होगा। अब देखिए आप, अब आपने ये यहाँ एक्स एक्स के अनुदिश माना है, तो इसको अपन न्यूटन के गति के दूसरे नियम से क्या लिखेंगे, एफ बराबर एम ए, और ए को क्या लिखेंगे, एक्स एक्स के अनुदिश गति है, तो ये क्या होगा, डी टू एक्स डैश अपॉन डी टी स्क्वायर, तो एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 2m जी ओमेगा कॉस लैम्ब्डा इनटू टी। इसको अपन अपन इंटीग्रेशन करेंगे डी टी के सापेक्ष टी के सापेक्ष, तो यहाँ अपना डी टी आ जाएगा। देखिए यहाँ एम था, इसको एम से एम कट गया, देखिए आप तो क्या आएगा, ये टी इंटू डी टी आएगा, यहाँ से क्या होगा, जी एक्स डैश बाई डी टी इक्वल टू 2 जी ओमेगा कॉस लैम्ब्डा इंटू टी स्क्वायर बटा 2 प्लस सी। जब टी इक्वल टू 0 तो डी एक्स डैश बटा डी टी इक्वल टू 0, तो सी इक्वल टू 0, तो डी एक्स डैश बटा डी टी बराबर 2 जी ओमेगा कॉस लैम्ब्डा इंटू टी स्क्वायर बटा 2, यहाँ 2 से 2 वापस कट जाएंगे, ये देखिए 2 से 2 अपन वापस काट देंगे, ये लिखने की जरूरत है ही नहीं अपन। अब अपन क्या करेंगे, इसको वापस डी टी के सापेक्ष संकुचन करेंगे, तो डी एक्स डैश जी ओमेगा
कॉस्ट है अपना टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो ये टी स्क्वायर बाई, तो इसको टी स्क्वायर में क्या आ जाएगा, टी क्यू बाई थ्री आ जाएगा। देखिए एक्स डैश बराबर जी ओमेगा कॉस्ट लेमड़ा टी क्यू बाई थ्री प्लस सी डबल डैश, ये अपना कॉन्स्टेंट है। जैसे यह कॉन्स्टेंट सी था तो अपने क्या अगर लिखा कि जब टी इक्वल टू जीरो पर इसका वेलोसिटी क्या थी, जी एक्स डैश बाई डी टी अगर हमका एक्स एक्स जीरो थी, तो ये इससे अपना सी जीरो आया था, तो ये बना था और वापस अपने टी के सब इसको। अब अपन कहते हैं कि पिंड है यहाँ से गिरा है, एच गहरे तक है ऊंचे, यहाँ इस ऊपर से नीचे गिरा गया तो गहरे ही मान लो, अपन ये ऊंचाई से एच ऊंचाई से गिरता है, ऊंचे ही ले लो आप सत्तर से देखेंगे। तो अपन जानते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये अपना क्या है सेकंड गति का सेकंड समीकरण है, ये गति का फर्स्ट समीकरण था, ये अपना सेकंड लॉ था। तो जीरो टी हाफ जी टी स्क्वायर टू एच बराबर क्या होगा जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर टू एच बटा जी, तो टी बराबर रूट टू एच बटा जी, अब इन टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो टू एच बाई जी रेस टू थ्री बाई टू आ जाएगा, आधा है और पावर तीन है। अब अपन क्या लिखेंगे कि इसको दो भाग कर देते हैं, टू एच बाई जी और अंडर टू एच बाई जी, जैसे अंडर एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स की पावर थ्री बाई टू, एक तो अंडरूट में रखा और एक ऐसे कैसे रखा, तो टू एच बाई जी से एक जी जी कट जाएगा, तो क्या होगा टू ओमेगा एच कॉस लैम्डा बटा थ्री अंडर टू एच बटा जी, तो ये क्या होगा एक्स डैश होगा, यानी ये सीधा सीधा गिरता है तो इसका इतना विस्थापन होगा पूर्व दिशा की ओर, उत्तरी गोलार्ध में, अपन दक्षिणी गोलार्ध में भारत के, इसमें क्या होगा विस्थापन पश्चिम दिशा में होगा। पश्चिम दिशा का मतलब आप ये देखेंगे कि ये आपका जो हाथ है वो लेफ्ट हैंड साइड भाई हमारे, तो पूर्व दिशा में होगा दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ आपने देखा कि दूसरा जो नदी के सिरों का जो कटाव है वो कोरलिस बल के कारण होता है, जो नदी बहती है उसकी बहाव की दिशा में उत्तरी गोलार्ध में, तो क्या होगा उसका सिरा दाहिनी ओर से कट होगा, और यदि दक्षिण गोलार्ध में है और उसमें नदी जो बहती है उसकी बहाव की तरफ की ओर क्या होता है बाई और उसका कटाव होता है। इसलिए आप देखना नदी का एक सिरा हमेशा वो कटाव मिलेगा, ये इसमें कॉर्लिस बल के बारे में है। दूसरा अपने चक्रवाती हवा है, इसमें क्या होता है कॉर्लिस बल लगता है, इसमें कण क्या करते हैं कि वो घूर्णित हो जाते हैं और जो घूमती हुई हवा होती है वो चक्रवात होती है, वो कॉर्लिस बल के कारण होता है। फिर जो ट्रेड विंड्स होती है व्यापारिक हवा है, जिसमें पुराने जमाने लोग जो व्यापार करते थे दिशाओं का ज्ञान करते थे, वो इस कॉर्लिस बल के कारण ही वो भूमध्य रेखा की ओर मुड़ती है, और अपन इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। आपका धन्यवाद, आपको कॉर्लिस बल समझ में आ गया, ये क्या होता है कि घूर्णी निर्देश तंत्र में एक ऐसा बल होता है जो घूर्णी निर्देश में कण पर जब लगता है, जब किसी कण पर तभी लगता है जब वो घूर्णी निर्देश तंत्र के सापेक्ष गति करता है, ये सुडो फोर्स होता है, और इसके बहुत सारे इफेक्ट हैं। ज्योग्राफी में लोग इस कॉर्लिस बल के कारण विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं, काफ़ी इसके उपयोग हैं। धन्यवाद आप।